हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे बाई वीकली कॉन्टेस्ट 1010 का, सॉरी 110 का पहला प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि एक बार आप वीडियो पॉज कर क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास इनिशियली $100 होंगे और आपको एक इंटीजर दिया जाएगा परचेज अमाउंट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि जो परचेज अमाउंट है ना, पहले तो हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे नेक्स्ट सॉरी नियरेस्ट 10 के मल्टीपल पे। नियरेस्ट 10 का मल्टीपल क्या हो गया कि लेट्स अगर ये 54 है तो नियरेस्ट 10 का मल्टीपल कौन हो गया 50। अगर 57 है तो नियरेस्ट कितना हो गया 60। तो जो ज्यादा नियरेस्ट होगा वो, और अगर लेट्स से 55 हो जाता तो उस केस में हम क्या करेंगे कि वो राउंड ऑफ होगा 60 पे। ठीक है, हम जो राउंड ऑफ कर देंगे उसके बाद हमें ये बताना है कि $100 में जो राउंड ऑफ होने के बाद जो अमाउंट आ गया, राउंडेड अमाउंट कह लो। ठीक है, तो $100 में से राउंडेड अमाउंट हटा देंगे तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान समझो। तो अब देखो, हमें एक चीज समझ में आ गया ना कि जब इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, अगर कोई भी एक नंबर दिया हुआ है परचेज अमाउंट, अगर उसका हम 10 के साथ रिमाइंडर लें, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे उसका नेक्स्ट वाला मल्टीपल चाहिए होगा, और नहीं तो जो उसका पीछे वाला मल्टीपल होगा वो होगा। तो आप अगर ध्यान से सोचो कि अगर रिमाइंडर 5 से कम है तो हम क्या करेंगे, अगर पी को परचेज अमाउंट को सीधा 10 से डिवाइड कर दे और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा रिमाइंडर वाला पार्ट था वो हट जाएगा। और अगर रिमाइंडर ग्रेटर देन 5 था तो जो पी से डिवाइड करने के बाद आया था उसमें अगर 1 ऐड कर देंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लो 54 था, 54 को अगर हम जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो उस केस में राउंडेड अमाउंट हमारा 50 होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट 50 था, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 कौन था, 50 था। 60 में डिस्टेंस 6 का हो रहा था, 50 के साथ डिस्टेंस 4 का हो रहा है। ठीक है, और अगर मान लो ये 56 रहता तो हम इस केस में क्या करते हैं कि रिमाइंडर 5 से ज्यादा हो रहा है तो जो इसका नेक्स्ट है उसके लिए जा रहे होंगे। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हम जो आया था कोसेंट जो 10 से डिवाइड करने पे आया था तो 56 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। यहाँ फ्लोट फ्लोट की बात नहीं करेंगे हम, फ्लोट पॉइंट में कितना है। ठीक है, हम बस इंटीजर वाला पार्ट, नॉर्मल डिवीजन जो होता है हमारा सी प्लस प्लस में। ठीक है, या कोई भी लैंग्वेज में। ठीक है, तो वहां पे आ गया 5, उसमें प्लस 1 करके और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, दो लाइन की कोड, मतलब 4-5 लाइन की कोड है। ठीक है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप पूछे बताना, सॉरी आप पूछना कमेंट सेक्शन में, मैं वही बता दूं। थैंक्स।